Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Maths Hub. Today in this video we will do worksheet number 22. विषय गणित है जो हमारा आज का और कक्षा क्लास के लिए, और ये वर्कशीट जो आपकी आई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रमाण, जिसको हम BPT बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, तथा उसका विलोम. सो देखिए, आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. देखिए, टीचर कहता है बच्चों से एक क्रियाकलाप करें. दिए गए त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर है 4 सेंटीमीटर, AC बराबर है 6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर है समान AC 3 समांतर रेखाएं भुजा AB को बिंदु PQ और R पर इस प्रकार काटता है कि AP बराबर है PQ बराबर है QR बराबर है RB तथा भुजा AC को बिंदु XYZ पर इस प्रकार से काटता है कि XY बराबर है AX बराबर है XY बराबर है YZ बराबर है ZC. यदि PX समानांतर है BC के तो आप AP अपॉन PB बराबर है AX अपॉन XC बराबर. अब आपको इनका मान ज्ञात करना है. सो क्या होगा? सो आप देखिए, ये कुछ एक्टिविटी है, आप इस प्रकार से कर लेंगे. आपको सिंपली पता होना चाहिए कि आप देख सकते हैं लेफ्ट में और राइट में कि जो आपके साइड से उनको इक्वल पार्ट्स में काटा जा रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. चूँकि आप देख सकते हैं AB जो है, इस AB साइड को आप 4 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा. ईच पार्ट क्या है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. सिमिलरली AC जो हमारा 6 सेंटीमीटर है, इसका अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिलेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 1.5 सेंटीमीटर ईच मिलेगा. सो ऑपरेशन का रेशो देख सकते हैं, इस प्रकार से रेशो निकाल लेंगे. अब आपके सामने क्या पूछा गया है, AP रेशो PB पूछा गया, AP रेशो PB. तो आप समझदार हैं, आप देखिए 1/3 बन जाएगा, क्योंकि देखिए 4 इक्वल पार्ट आपने किए हैं AP पे, जो कि लेफ्ट साइड आपकी ट्रायंगल की विजिबल नहीं है. माफी चाहूँगा आपसे, इस वीडियो में जो आपकी ये वर्कशीट आई है मेरे पास विजिबल नहीं है इसमें पिक्चर. सो आप समझने की कोशिश कीजिएगा. AP जो हमारा है फर्स्ट पार्ट है साइड AB का. सो AP हमारे पास 1 सेंटीमीटर और AB हमारे पास होल कितना है, 4 सेंटीमीटर है, बट हमें PB चाहिए. सो AP अपॉन PB क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा. सिमिलरली XY आप राइट में देखना चाहेंगे तो आप राइट में देखेंगे, देखिए AX बाय XC. सो AX बाय XC आप देखना चाहेंगे, AX हमारा कितना है 1.5 और होल देखिए कितना रहेगा 4.5. सो 1.5 अपॉन 4.5 ये भी क्या बन जाएगा, 1/3. सो AP अपॉन PB बराबर AX बराबर AXC का मान क्या होगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा. सो देखिए गौरव क्या कहता है कि AP/PB बराबर है AX/XC बराबर 1/3, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह BPT है, कृपया इसे समझाइए. सो ये देखिए गौरव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 1/3. लेकिन आप इसे कहा, गौरव क्या कहता है कि मैं सोचता हूँ कि BPT है, कृपया समझाइए. तो आप देखिए हम इस प्रमेय का डिटेल से अध्ययन करते हैं. आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है देखिए, और इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स प्रमेय का प्रमाण भी बोलते हैं. सो देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित हो जाती है. सो देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से देखेंगे. सो देखिए मैं क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC हमारे पास है, जिसमें भुजा BC के समानांतर एक रेखा खींची गई है जो कि आपको नज़र आ रही है DE, जो कि अन्य दो भुजा AB और AC को दो बिंदुओं पर काटती है, जो कि D और E पे. जो DE आपकी रेखा है वो भुजा AB को काटती है बिंदु D पर और AC को काटती है बिंदु E पर. सो आप देख सकते हैं, सिद्ध करना है हमें कि जो AD अनुपात DB है वो किसके बराबर है, AE अनुपात EC के है. सो हमें एक रचना करनी पड़ेगी. आप देखिए B को ज्वाइन कर दीजिए, B को मिला दीजिए E से और C को मिला दीजिए D से, और हमें क्या करना है, फिर DM परपेंडिकुलर, देखिए आप देख सकते हैं DM परपेंडिकुलर AC. सो हमें DM एक लंब खींचना है AC भुजा पर, और इसी प्रकार से EN आपको देख रहे हो भुजा AB पर खींचें. सो अब उत्पत्ति देख सकते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल. अब देखिए आपके पास दो भुजाएं इस त्रिभुज की नज़र आ रही है, AB पर दो ट्रायंगल बन रही हैं, दो त्रिभुज बन रही हैं ADE और BDE. आप देख सकते हैं ADE आपकी न्यून कोण त्रिभुज है और BDE आपकी अधिक कोण त्रिभुज है. उसी प्रकार से भुजा AC पर आप देख सकते हैं दो त्रिभुजें आपके पास है, ADE है जो कि पहले ही उसी प्रकार से जो कॉमन त्रिभुज है दोनों भुजाओं पर, और दूसरी त्रिभुज है आपकी DEC. सो आप देख सकते हैं AD तो हमारी न्यून कोण त्रिभुज है और DEC आपकी अधिक कोण त्रिभुज है. सो आप देख सकते हैं, अब न्यून कोण में त्रिभुज में आप देखते हैं लंब कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर होता है. सो आप अब AB आधार पर जो दो त्रिभुजें बन रही हैं आपकी ADE और BDE, इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे. सो आप देख सकते हैं उत्पत्ति के अंदर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और आप देख सकते हैं एक बटा दो आधार क्या बना हमारा ए डी के अंदर, ए डी बना और ऊंचाई हमारे पास क्या है ई एन है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से बी डी ई आप देखिए उसी आधार पर नीचे वाले जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है त्रिभुज, सो एरिया ऑफ त्रिभुज जो बी डी ई है उसका क्या बनेगा, आधार हमारा बी डी है, सो एक बटा दो गुणा आधार जो बी डी है गुणा ऊंचाई देखिए ई एन है, ऊंचाई रहेगी बाहरी तो ई एन ही हम काउंट कर लेंगे। उसी प्रकार से देखिए भुजा ए सी पर त्रिभुज देख रहे हैं ए डी ई, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक बटा दो गुणा भुजा हमारे पास बेस जो आधार है वो ए सी ए ई है और जो हमारा लंब है वो डी एम है, एंड जो डी ई सी है भुजा ए सी पर उसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा ए ई इंटू ई सी इंटू डी एम। सो अब हमारे पास चार रिलेशन बन चुके हैं, इन चारों को देखिए आपस में डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट दोनों को डिवाइड करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज ए डी अपॉन बी डी का जो क्षेत्रफल मिलेगा वो क्या बनेगा, एक बटा दो गुणा ए डी गुणा ई एन बटा एक बटा दो गुणा डी बी गुणा ई एन, सो हमें एक बटा दो कैंसिल हो जाएगा हमारा, सिमिलरली ई एन कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा क्या ए डी बटा डी बी, दिस इज समीकरण एक, ये हमें समीकरण एक मिल जाएगा। उसी प्रकार से दूसरी जो जो आपके जो रिलेशन नंबर दो तीन और चार हैं उनको आप डिवाइड करिए और हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी में क्या मिल जाएगा ए ई अपॉन ई सी, इसको समीकरण नंबर दो दे दीजिए। त्रिभुज बी डी और त्रिभुज डी सी आप ध्यान से देखिएगा, बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी दो समानांतर रेखाओं के बीच में है, देख सकते हैं डी ई और बी सी, और एक कॉमन भुजा जो आपका इनकी सांझी भुजा है जो कि डी ई है उस पर लाइक करती हैं, उस पर एग्जिस्ट करती हैं, सो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो आप कह सकते हैं आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, उसको समीकरण नंबर तीन दे दीजिए। अब आप देख सकते हैं समीकरण एक समीकरण दो और समीकरण तीन से हमें प्राप्त क्या होता है, देखिए आप ध्यान से पहले आप देखिए समीकरण तीन और समीकरण दो से देखिए जरा, जो हमारा त्रिभुज समीकरण दो में मैं बोल रहा हूँ एरिया ए डी अपॉन डी ई सी को आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ बी डी ई लिख सकते हो समीकरण तीन की हेल्प से, तीन की मदद से, सो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई बराबर ए ई अपॉन ए ई सी। सो अब हमारा समीकरण एक और समीकरण जो तीन बना है दो बना है उसमें देखिए दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगा, सो हमें डायरेक्टली यहाँ बोल रहे हैं समीकरण एक दो और तीन से हमें क्या मिल जाएगा ए डी बराबर डी बी और ए ई अपॉन ई सी, सो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है ए डी बाय डी ए बी और ए ई बाय ए सी, उन्होंने क्या किया इसको कंप्लीट भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है तो ए डी बाय ए बी और ए ई बाय ए सी। सो बी पी टी का देखिए विलोम बताना है हमें, सो पी पी टी का विलोम क्या होगा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, सो अर्थात त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजा इस प्रकार से अनुपात में है ए डी बाई डी बी बटा बराबर है ए ई बटा ई सी तो हमें क्या मिल जाएगा डी ई बराबर बी सी, जैसे हमने पढ़ा अभी कि त्रिभुज में हमें डी ई समानांतर दे रखी थी बी सी के तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया था, अगर हमें भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हो तो जो जो आपकी रेखा है डी ई वो क्या हो जाएगी बी सी रेखा के समानांतर हो जाएगी, ये आपका बी पी टी का विलोम है, थेल्स प्रमेय का विलोम है, सो आप इसको याद रखेंगे। उदाहरण देखिए हमारे पास क्या है, दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात करें जो डी ई समानांतर बी सी बना देगा, सो देखिए हमें एक्चुअली दे रखा है कि त्रिभुज में डी ई और बी सी समानांतर है, बट अगेन मैं माफ़ी चाहूँगा फिर से आपको क्योंकि पिक्चर आपको विजिबल नहीं है, जैसे कि मेरे पास वर्कशीट आई है एज इट इज़ आपको मैं शो कर रहा हूँ, सो आप देख सकते हैं कि ए डी देखिए हमें इतना बस आपको इतना समझना है कि जब भी त्रिभुज में दो बराबर एक भुजा दूसरे के समानांतर हो तो बची हुई दो भुजाओं को ये बराबर अनुपात में काटेंगी, सो हमें देख सकते हैं आप एक्स बटा जो आप ए बी भुजा है उस ए बी भुजा पर आप देख सकते हैं अनुपात हमें दे रखा है भुजाओं का एक्स बटा में तीन एक्स प्लस चार और उधर से ए सी भुजा पर जो अनुपात है वो क्या है एक्स प्लस तीन बटा तीन एक्स प्लस 19 जो है इसको आप सोल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके और हमें एक्स की वैल्यू दो मिल जाएगी, एक्स का मान दो मिल जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला हमारे पास क्या है प्रश्न नंबर एक, दिए गए चित्र में डी ई समानांतर है बी सी के तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये पिक्चर विजिबल नहीं है मैंने कोशिश की है आगे सोल्व करने की, एंड प्रश्न नंबर दो देखिए आप थेल्स प्रमेय बी पी टी का कथन लिख कर उसे सिद्ध करिए, जो कि हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं यही आपका थेल्स प्रमेय है तो आपको सेम यही आपको राइट करना है प्रश्न नंबर दो के अंदर जो हमने थ्योरम पढ़ी है ऊपर। सो देखिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर एक को, दिए गए प्रश्न चित्र में डी ई समानांतर है बी सी के तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, सो आप ये देख सकते हैं आकृति आपके सामने त्रिभुज ए बी सी की है जिसमें ए डी क्या हमें एक्स दिया हुआ है सो कि एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, डी बी हमें 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए ई हमें 1.8 सेंटीमीटर है और ई सी हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई है समानांतर बी सी के है अतः आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा, सो हम कह सकते हैं ए डी बटा वन डी बी बराबर है ए ई बटा में ई सी, सो अथवा हम कह सकते हैं ए डी का मान रख दीजिए यहाँ पे एक्स है
और डी बी हमारा है 7.2 बराबर है ए ई हमारा 1.8 और ई सी हमारा है 5.4। अब आप देख सकते हैं 1.8 और 5.4, ये देखिए हमारे पास क्या है, तुल्य भिन्न है हमारे पास। इस प्रकार से देख सकते हैं इनका दशमलव भिन्न के बाद एक एक हमारे पास डिजिट है। सो हम देखिए 18/10 और 54/10 रखेंगे तो 10 हमारा कट जाएगा आपस में। सो हम राइट कर सकते हैं 18/54 यानी 7.2 अब आपका इधर हर के अंदर है तो इधर आके गुणा में आके अंश में आ जाएगा। तो आपको सोल्व करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा x बराबर है 18/54 गुणा 7.2, तो 18 54 एंड 24 72, बट देखिए 7.2 था तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.4। सो हमें x का मान मिल जाएगा 2.4। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 22। सो इफ़ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।